साथियों, आज मैं जा रही हूँ नालंदा विश्वविद्यालय और मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है बरबीघा कस्बे से, जो कि मेरा ससुराल भी है। यह नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। उम्मीद करती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो ज़रूरी सुना होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में विश्व की यह सबसे प्राचीनतम धरोहरों में से एक है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। यह पाटलिपुत्र यानी आज के पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, लेकिन देखकर लगता है कि इतना बड़ा है कि शायद मुझे इसे कवर करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके इन खंडरों को देखकर ही लगता है कि यहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट्स बैठते होंगे, यहाँ पे चर्चाएँ चलती होंगी, पढ़ाई होती होगी, बीच में कैंपस है, स्टेयर्स हैं। और क्या बताऊँ, मतलब मैं शब्द मेरे लिए पूरे नहीं पड़ रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है ये जगह। एकदम शांत वातावरण, चारों तरफ हरियाली, पेड़, और उन सब के बीच में ये खंडर बता रहे हैं कि इसका क्या स्वरूप रहा होगा। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई, और बाद में इसे भारतीयों और जावा के राजाओं द्वारा, जिसमें से कई बुद्धिस्ट और गैर बुद्धिस्ट थे, इसके संचालन में मदद की गई। देखिए इस विशाल नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसे दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ पर एक ही कैंपस के भीतर सैकड़ों शिक्षक और हजारों छात्र बुद्धिज्म, मेडिसिन, तर्कशास्त्र, धर्म, राजनीति, गणित, विज्ञान, दर्शन और इतिहास आदि विषयों की शिक्षा लेते थे। यहीं पर बैठकर वे बहस मुबाहिसे करते थे। इस विश्वविद्यालय के रखरखाव और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजाओं ने समय समय पर उन्हें अनुदान के रूप में सैकड़ों गांव प्रदान किए, जहां से अन्न, दूध, मक्खन जैसी जरूरी वस्तुएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी। इस विश्वविद्यालय की ख्याति देश के बाहर भी हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे विदेशी छात्र और शोधकर्ता आकर्षित होकर यहाँ पर आए, जिसमें से कुछ सड़क मार्ग से आए और कुछ समुद्री मार्ग से। इन विदेशी यात्रियों में से कईयों ने अपने यात्रा वृतांत लिखे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है ह्वानसांग का। चीनी यात्री ह्वानसांग ना सिर्फ यहाँ पर आए, बल्कि कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ अध्यापन कार्य भी किया। ह्वानसांग ने लिखा है कि यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया, जिनमें से कुछ बहुत भव्य थे और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर बहुत आकर्षक थे। यहाँ अनेक जलाशय थे जिनमें कमल तैरते थे। विद्यार्थी छात्रावास में रहते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के नियम भी कठोर थे। विश्वविद्यालय के द्वार पर ही छात्रों की परीक्षा ली जाती थी। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, तभी तो इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली और चीन, बर्मा, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों के छात्रों ने यहाँ आकर अध्ययन किया, और वह भी बिना किसी शुल्क के, एकदम फ्री, खाना पीना रहना सब कुछ। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बहुत सारे पर्यटक देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं खंडरों को देखने के लिए। यह खंडर आज भी गवाह है कि अपने समय में यह
वाद विवाद और शोध का केंद्र कितना भव्य रहा होगा। लेकिन दुनिया का यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय आज खंडरों में तब्दील हो गया है, जिसकी कुछ झलक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ज्ञान का ये केंद्र कैसे तबाह हो गया, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।